इसका नाम दीपक यादव। कितने दिन में बॉडी बन जाएगी, पेमेंट आता है कि नहीं आता है, अभी तक कितने रुपए कमा लिए यूट्यूब से। उसके बाद अगर आपके पास पैसा हो तो लोग आपको इज्जत करेंगे। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं अभी 4:30 और जगह तो 4 बजे का है लेकिन अभी 4:30 हो चुका है। तो अभी मुंह धोकर फ्रेश होकर अभी जस्ट पानी पिए हैं। आपको बता दें कि अगर आप सुबह में डेली जगते हो तो कोशिश करो कि आधा लीटर से अधिक पानी पीने के लिए पर डे एकदम मॉर्निंग में खाली पेट। तो दोस्तों निकल गए हैं रूम से और अभी जा रहे हैं पैदल रोज की तरह। वैसे मॉर्निंग में पैदल चलना जरूरी है, सेहत के लिए हानिकारक नहीं लाभदायक होगा। ये सब जितना भी लाइट दिख रहा है सब दुर्गा पूजा का लाइट है, मतलब पहले से लगा था। वैसे अब तो दुर्गा पूजा भी खत्म हो गया, आज शाम को मेला है, देखते हैं मेले में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो आ गए जिम में और अभी जिम में बहुत जिम खाली है पूरा, बस एक भैया है, बाकी दशहरे में सब लोग अपने घर चले गए हैं। इतना सुबह सुबह में अभी कौन आएगा, ठंडी के दिन हो गया ना, तो धीरे धीरे अब जो भी आएंगे सब 6-7 बजे के बाद ही आएंगे, देखते हैं। और अपनी एक्सरसाइज तो 7 बजे के बाद ही होती है, 8 बजे से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और इससे पहले अभी तो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए क्योंकि आज करना है 3-3 एक्सरसाइज। ये दीपक लेजेंडर, इसका नाम दीपक यादव और देखो राइट एक खोलने वाला हूं लेजेंडर, इसका नाम दीपक यादव। तो दोस्तों अगर बॉडी बनानी है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, डाइट से लेके वर्कआउट सारा चीज़ करना पड़ेगा खुद, तब जाकर बॉडी बनती है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे हम तो देखते रहते हैं जिम में आते हैं तो एडमिशन कराने के लिए, तो ज़्यादातर लोगों का डिमांड ये होता है कि कितने दिन में बॉडी बन जाएगी। मतलब कि जो इंसान मतलब 20 साल का होगा मिनिमम मान लेते हैं, एक लोग को 20 साल एज होगी, एक दिन जिम आएंगे पूछेंगे भाई कितने दिन में बॉडी बन जाएगी। मतलब जो इंसान 20 साल से मेहनत नहीं किया है और एक दिन वर्कआउट करते हैं और पूछते हैं कि भैया हमको 2 महीने में, मतलब किसी को बताते हैं कि इनकी तरह बॉडी चाहिए, पेट अंदर बाइसेप्स वाला दिखना चाहिए और चेस्ट और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे लोग डिमांड करते हैं। बट उन लोगों को भी हमको कहना पड़ता है ठीक है भैया आपको 2 महीने में बन जाएगी, क्या करें जब उनको खुद पता है कि भाई जो 20 साल से जो शरीर वर्कआउट नहीं किए अगर वो 20 दिन वर्कआउट कर लेगी तो कितना ग्रो कर लेगी ये बताइए। पहले तो 10 दिन उसको मिक्स सिखाने में कौन से मसल कैसे क्या करती है वही चला जाता है, 10 दिन में कितनी बॉडी बन जाएगी, तो वो बात नहीं है। बट बॉडी बनानी है हम सीधा कहेंगे रेगुलर जिम आइए, रेगुलर डाइट रहें, जो भी डाइट है आपके पास दाल चावल रोटी सब्जी क्वान्टिटी में खाइए और वर्कआउट बहुत हार्ड करिए। अगर कोई कंपटीशन है तो और हार्ड करिए, नॉर्मल फिट रहना है तो नॉर्मल अपना रोज़ जिम आइए, थोड़ा बहुत वर्कआउट करिए, थोड़ा बहुत डाइट पर फोकस करिए, बॉडी आपकी मेंटेन रहेगी। आज सारा का सारा काम जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना है, सबसे पहले तो आज पहले मील अपना बना के वीडियो एडिट करना है क्योंकि 11 और 12 के बीच में वीडियो पोस्ट कर देना है, आज कुछ भी किसी भी हालत में पोस्ट कर। रूम पे आ गए हैं और रूम पे आने के बाद से अगर वर्कआउट करने के बाद अगर 1 घंटे के अंदर खाना नहीं खाएंगे हम तो नींद सा लगने लगेगा, फिर बॉडी पेन करने लगेगी, मसल मतलब जैसे होता है ना हल्का हल्का पेन उस टाइप का पेन होता है अपने आप को। तो आज अपनी सबसे पहले मील बना के री एडिटिंग करेंगे, भले वीडियो क्यों ना 11:10 बजे 11:20 हो जाए
लेकिन 12 बजे से पहले पोस्ट करेंगे तो करेंगे कुछ भी हालत में। तो जल्दी से बनाते हैं खाना और दिखाते हैं। सबसे पहले तो बर्तन धो ले। नहीं, लोग पूछते रहते हैं कि आपके यूट्यूब पे पेमेंट आता है कि नहीं आता है, अभी तक कितने रुपए कमा लिए यूट्यूब से। और एक लोग तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि ये मतलब कितने व्यू पर कितने रुपए मिलते हैं। ये तो फिक्स नहीं होता है। आपको चीज़ बता दें, जितने अब कम समय में ज़्यादा व्यू आपका आता है तो आपको यूट्यूब पेमेंट ज़्यादा करता है, और अगर आपको बहुत मतलब 2 दिन में 3 दिन में व्यू ज़्यादा आया है तो उस हिसाब से पेमेंट थोड़ा सा कम आएगा। बस इतना आप लोग समझ लो। और बाकी पैसे की बात हो गई तो पैसा सबको कमाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसा का कुछ नहीं होने वाला है। दोस्ती यारी फैमिली सब ज़रूरी है, मतलब उसके बाद अगर आपके पास पैसा हो तो लोग आपको इज्जत करेंगे, अगर नहीं हो तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। बहुत लोग होते हैं कि घर मतलब रूम लेकर आते हैं, हम देखते रहते हैं अक्सर घर से पैसा लेकर यहाँ पे उड़ने वाला काम करते हैं। और तो ऐसा आप लोग कुछ ना करें, अगर उड़ना है हम आपको रोक नहीं रहे कि आप मत उड़ो, उड़ो जितना मन को उतना उड़ो, लेकिन खुद के दम पे उड़ो। तो दोस्तों नहा धोकर हो गए तैयार, अभी जगे हैं सोकर, और जगने के बाद से अभी टी शर्ट पहने और लोअर निकलने वाले हैं जिम के लिए ऐसे तो। बट सोच रहे मेला थोड़ा सा घूम लें, क्योंकि बहुत लोगों से पूछे हैं तो कल कई लोग तो बोल रहे थे कि हम कल ही का घूम लिया, आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। दोस्तों निकल गए हम लोग यार, लंका मजा ना भी हम है, गौरव भी आए हैं, हम है गौरव भी आए भैया है, पीछे बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग जा रहे हैं लंका मैदान। तो फाइनली दोस्तों आ गए हम लोग लंका मैदान में, और अभी देखेंगे अभी रावण चलने वाला है कुछ ही समय में रावण चलेगा अभी जस्ट। अरे कैसे हो में कीर्तन गाना है राम मंदिर। रामी रखाई गाजीपुर जिला।